हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे अपना फर्स्ट बोल सकते हो। तो आज हम जाने वाले हैं दुबई एक्सपो। तो दुबई एक्सपो जाने से पहले मेरे पास है ना जो एयरपोर्ट से कल सिम कार्ड मिला था ना, वो मैं चेक कर रहा था। तो उसमें अपने को 1 GB इंटरनेट मिलता है 24 घंटे के लिए। 1 GB इंटरनेट सिर्फ 24 घंटे के लिए मिलता है। उसके बाद अपने को DU ऐप में जाना है, हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसका बहुत ईजी प्रोसेस है, 24 घंटे के लिए ही। उसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। मेट्रो का मैंने आपको बताया था कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आज हम मेट्रो से ही जाने वाले हैं दुबई एक्सपो। डायरेक्ट मेट्रो जाती है। तो पास तो मैंने निकाला था एक्चुअली, पर मेरे दोस्त ने कल का निकाला था। तो आज हम देखते हैं कि वही पास चलेगा कि नहीं, तो नया बनाएंगे। और मेरे दोस्त ने लोगों ने सीज़न पास निकाला, तो लोग कभी भी कभी भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी 2 दिन का निकालने गया। तो आज पहले जाके वो पूरा कल का पास जो एक्सपायर हो गया, हम लोग गए नहीं थे, वो ट्राई करेंगे। नहीं हुआ तो फिर नया निकालेंगे। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो और वहाँ पे जाके फिजिकल भी ले सकते हो। तो आज मैं आपको पूरा दुबई एक्सपो का टूर कराऊँगा मेरे साथ। अभी मैं हूँ अलक्यादा स्टेशन पर। यहाँ से हम जाएँगे दुबई एक्सपो। तो ये स्टेशन है, अभी ग्रीन लाइन में है। हम लोग को जाना रेड लाइन में, जहाँ पर दुबई एक्सपो है। तो मैं ये मेट्रो से जाने वाला हूँ। तो ये कार्ड है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेके दुबई एक्सपो का कितना खर्चा होगा बेसिकली। तो ये हम पहुँच गए यहाँ पे। और ये मैंने हमारा स्वाइप, अभी 11 दिराम है मेरे पास। 11 दिराम है मेरे पास। अभी मैं जब दुबई एक्सपो में एग्जिट मारूँगा तब कितना लगता है मैं आपको बताऊँगा। तो 7.5 दिराम चार्ज किया मेरे को मेरी लोकेशन से यहाँ पर आने का। और मैं आपको दिखाता हूँ दुबई एक्सपो मेट्रो स्टेशन। बहुत खूबसूरत है, देखिए ये है दुबई एक्सपो स्टेशन। देखिए नीचे सब LED लाइट्स का पात दिया है और काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि आज 1, 2 और 3 दिसंबर ये तीनों दिन नेशनल हॉलीडे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। तो मेरा जो ऑनलाइन पास किया था एजाज ने, वो उसने वीकेंड को किया था और उसने 30 तारीख का किया था, जो एक कल था जो एक्सपायर हो गया। तो अभी हम लोग फिज़िकल टिकट के लिए आया हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अपने को फिज़िकल टिकट मिलता है, कुछ 45 दिराम ही लगता है। और आपको सीज़न चाहिए तो 95 दिराम लगता है। तो यहाँ से अपने को खाली पास के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये टिकट है 1 डे का, 45 दिराम चार्ज किया है। अगर आपको सीज़न पास चाहिए तो कुछ 95 दिराम है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने अभी जस्ट मैंने मैप लिया है, ये अपना दुबई एक्सपो का मैप लिया है। टोटल इतने सारे पवेलियन है, 195 तो सिर्फ पवेलियन है जो आपको एक दिन में तो पॉसिबल नहीं आप इतना कवर कर पाओगे। मुझे बहुत डाउट है, एक दिन में आप कम से कम 4 से 5 पवेलियन, उससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। इतने सारे पवेलियन है, मतलब आपको सीज़न पास लेना पड़ेगा तो आपको बेनिफिट है। बट अभी मैं दुबई में बहुत कम दिन के लिए हूँ। तो आज जितना हो सके उतना हम बेस्ट ट्राई करेंगे और टॉप 5 पवेलियन विज़िट करेंगे, जिसमें बहुत सारे नाम थे। इंडिया के नाम नहीं था, बट ऑब्वियसली पहले हम अपना इंडिया का पवेलियन जाएंगे, उसके बाद बाकी के पवेलियन जाएंगे। तो आपको स्टार्ट से मैं बताऊंगा, जब एंट्री करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा, क्या पूछा, आपको सब बताऊंगा। अभी जस्ट हम लोगों ने दुबई एक्सपो में एंट्री किया है। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, आपके पास टिकट होनी बहुत ज़रूरी है। जब टिकट हो जाएगी तब आपको अंदर एंट्री करोगे फाइनल वाले में, तब आपको एंट्री जो टिकट होती है उसकी एंट्री करनी होती है और आपको एक फ़ोटो खिंचेगी। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा क्राउड है ब्रो, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। तो पहले हम जाएंगे ऑब्वियसली इंडियन पवेलियन, राइट? तो सब इंडियन है, तो पहले हम इंडियन पवेलियन जाएंगे। तो चलिए जाते हैं इंडियन पवेलियन। बहुत खूबसूरत है यार, मतलब देख के बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं आपको अभी एंट्री दिखाता हूँ। जस्ट हम लोग ने एंट्री करके स्टार्ट किया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तो वेलकम टू दुबई एक्सपो 2022। तो जब आप अंदर आओगे ना तो आप मैप ले लेना, मैप रहेगा आपके पास, ऐसा बाहर ही मिल जाएगा आपको ये इंफॉर्मेशन डेस्क के पास। तो ये आ जाओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि इधर कैसे जाना है। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस है, साइकिल के बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जा सकते हो। तो अभी हम मैप के हिसाब से पहले इंडियन पवेलियन जाएंगे। तो ये मैप है, हाँ। तो इंडियन पवेलियन इधर है, ये साइड है। तो हमें बस से जाना पड़ेगा। तो आगे ही एक स्टॉप है जहाँ पे बस मिलता है। तो ये बस हमें वो जोन पे भेजेगा, पर्पल जोन पे, जहाँ पे फ्री है, आपको बस का चार्जेस नहीं है। आपको पवेलियन से ये पवेलियन आपको फ्री में छोड़ दे लोग, तो बस के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको साइकिल चाहिए तो उसके चार्जेस है। तो बस के चार्जेस फ्री है। तो हम पहले सोचे कि बहुत ऐसा चल चल के जाएंगे तो आधा घंटा एक घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हमने पूछा यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनको, तो उन्होंने बोला कि आप बस पकड़ो और उनको बोलो इधर इधर जाना है तो आपको छोड़ देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी कुछ 1 बजा है और बहुत धूप है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शाम होती है तो ठंड हो जाती है, जैसे कल रात को मैं आया था तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, बट अभी बहुत धूप है। और अभी हम बस का बस आपको मैं दिखा दूँ। देखो वैसे आपको बस मिलेगी जो आपको जहाँ भी जाना हो, आपके कोई भी पवेलियन अगर बाजू में है तो आपको बस की ज़रूरत नहीं, अगर लंबा है तो आपको बस लेके जाना है। तो बस ने हम लोग को यहाँ पे छोड़ा और यहाँ से आते ही ये सामने है अपना इंडिया का पवेलियन। बहुत पास है, बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस से आएंगे तो हार्डली 5 मिनट लगेगा, अपने को छोड़ेगा और ये आएगा इंडियन पवेलियन। तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इसके बाद और भी हम लोग ने 5-6 लिस्ट बनाया कि ये इसके बाद इंडिया के बाद हम लोग एक्स जाएंगे, वाई जाएंगे, जेड जाएंगे। आपको हर एक पवेलियन लेके चलूँगा। आज पूरा दिन हम यहीं पे रह के पूरा दुबई का यूएसए भी जाएंगे। ठीक है, भाई को यूएसए आना है, कनाडा वाला भी जाएंगे, यूके वाला भी जाएंगे और कोरिया वाला भी जाएंगे और जापान वाला जाएंगे, रशियन भी जाएंगे। रशियन तो सबसे पहले, तो फिलिपिनोस देख रहे हो, बहुत सारी लिस्ट है। इनको लग रहा है कि एक दिन में सब हो जाएगा, तो देखते हैं। तो ये है पूरी इंडियन पवेलियन की लाइन, ये पूरी लाइन है। अगर आप QR कोड से करना चाहोगे तो आपका वेटिंग 2 से 3 घंटा बता रहा है। तो हम ये क्यू में लग गए तो हार्डली 10 मिनट हो गए, हम मोस्टली बस पहुंचने वाले। आप देख सकते हो बहुत पास हम लोग। तो ये है अपना इंडियन पवेलियन, ये है यहाँ का मंगलयान। इंडिया पवेलियन के 4 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे अलग अलग है। कहीं पे अपनी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता है, तो कहीं पे चंद्रयान के पास्ट के बारे में पता है, तो कहीं पे फ्यूचर जैसे स्टार्टअप है, हम फ्यूचर में क्या करने वाले, हर जगह पे अलग अलग पता है। तो ये लास्ट फ्लोर स्टार्टअप्स का है कि नई नई कंपनियाँ इंडिया में आएंगी, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, नए जॉब्स क्रिएट हो गए, नई अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में, ये फ्लोर उसके लिए है। तो हर जगह अलग अलग इंडिया को हम रिप्रेजेंट करें कोई ना कोई चीज़ के लेके। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर है, हम फ्यूचर में क्या करने वाले, आज तक हमने क्या क्या किया है और हम आगे क्या करने वाले, सब कुछ इंडिया एक्सपो में बताया गया है। तो मस्ट विज़िट, बहुत अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, आप मस्ट विज़िट करना। मैं आपको देखो अभी मैं स्टार्टअप वाला लास्ट जो हमारा फ्लोर है वहाँ पर आया, तो सब कंपनियों के बारे में पता कि वो अपनी कंपनी क्या क्या करने वाली फ्यूचर में, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ों के बारे में। दिस इज़ लास्ट फ्लोर ऑफ इंडियन पवेलियन एक्सपो दुबई एक्सपो 2022। ये पूरा जो सेगमेंट है ये नीचे सेकंड फ्लोर पे, ये पूरा महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा महाराष्ट्र के बारे में पता है कि महाराष्ट्र में क्या क्या जगह हम घूमने लायक है और फ्यूचर में महाराष्ट्र कैसे दिखने वाला है। जैसे कि ये सब पैनल्स पे आप देखोगे तो सब इंफॉर्मेशन दिया है कि फ्यूचर में महाराष्ट्र कैसा दिखेगा और क्या क्या होने वाला है। और नो डाउट महाराष्ट्र में है बॉलीवुड, तो ये बॉलीवुड के बारे में है, उसके बारे में पता है कि कैसा किया है। फिर हम आगे जैसे ही चलेंगे तो ये अपना टेक्नोलॉजी के बारे में है, ये पूरा फैशन फैब्रिक आप देख सकते हो, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए सब लोग। तो दिस इज़ अबाउट महाराष्ट्र। और ये है मैजेस्टिक महाराष्ट्र 2.0 दुबई। तो दिस इज़, ये सबसे नीचे जब आप एग्ज़िट होंगे तब आएगा जो रिप्रेजेंट करता है हमारे अगेन इंडिया की हिस्ट्री को आप देख सकते हो। लाल किला, फिर अपना ये गोल्डन टेम्पल, फिर धीरे धीरे फिर हम जाएंगे आगे आगे आगे। तो ये जो हमारा बनने वाला है राम मंदिर अयोध्या का वो है। तो दिस इज़ फाइनल और लास्ट जो हम नीचे जाएंगे। और ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये हमारा अक्षरधाम है। सो दिस इज़ होल इंडियन पवेलियन, काफ़ी अच्छा है। हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, हमारी कल्चर्स को लेके, हमारी फैशन को लेके, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़ आप आइए यहाँ पे, आपको इंडियंस मिलेंगे और फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं। तो प्लीज़ मस्ट विज़िट। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया इंडियन पवेलियन। अब हम जा रहे हैं जापान के पवेलियन। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़। इंडियन पवेलियन घुसे थे तब तक यहाँ पर भीड़ थी, अभी भी ये भीड़ ख़त्म नहीं है। आप देखो पूरा रश है यहाँ पर। यहाँ से फिर राइट मारना है, तो बहुत क्राउड है यहाँ पे। बहुत सुना मैंने जापान पवेलियन के बारे में भी। अब चलो एक्सप्लोर करते हैं जापान पवेलियन।